सिटी न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया उम्मीदवार प्रीति कुमारी, पंचायत करणपुर दक्षिणी, प्रखंड बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर। एक शिक्षित सुयोग्य मुखिया की उम्मीदवार प्रीति कुमारी, जो कि शिक्षा में एमए कर चुकी हैं और सब्जेक्ट इनका ज्योग्राफी है। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मन में आया कि मुखिया की उम्मीदवारी इन्होंने दावेदारी ठोक दी है। क्या कुछ जनता अगर आपको चुनती है तो क्या कुछ जनता के लिए आप करेंगे? सबसे आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं अपने सभी पंचायतवासी को आपके चैनल के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। और मैं प्रीति कुमारी, पंचायत राज करणपुर दक्षिण, प्रखंड बोचहा, भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में आ रही हूँ इस बार आप सबों के बीच। और मेरे यहाँ मेरे ससुर जी का जन्म वितरण चलता था, इस माध्यम से बहुत सी महिलाओं का मेरे यहाँ आना जाना हुआ करता था। उसी आने जाने के क्रम में मैंने देखा कि महिलाओं का बिल्कुल विकास नहीं यहाँ हो रहा है और महिलाएं बहुत दुखी हैं, क्योंकि महिला मुखिया होने के बावजूद भी वो अपनी बात को रख नहीं पाती थी, किसी योजना का लाभ सही से उठा नहीं पाती थी, क्योंकि उनको काम के लिए मुखिया पति के पास जाना पड़ता था। इन सब बातों को भी देख के, और दूसरा ये भी कि पंचायत में बहुत भ्रष्टाचार चल रहा है, कार्ड के नाम पे, आवास के नाम पे, गरीब लोगों से जो मतलब मजदूरी कर रहे हैं उनसे भी लिया जा रहा है, यही सब को देख के और सभी महिलाओं का विचार बना कि आप पढ़ी लिखी हो, एक बार आप हम लोग के लिए, कम से कम मेरे पंचायत के लिए आप एक बार हम लोग के लिए लड़े और हम लोग का आवाज़ बने। ये जो परंपरागत तरीके से मुखिया का पद है जी, जो एक परंपरा चलती चली आ रही है जी, क्या उसी परंपरा के अनुसार आप आगे चलेंगी या इस परंपरा को तोड़ करके एक नया इतिहास रचेंगी? जी, मैं इस परंपरा के बिल्कुल विपरीत चलना चाहती हूँ। और जो रितु जसवाल जी हैं, मैं उनसे बहुत प्रेरित हूँ, जो मुखिया शिवानी पंचायत की हैं उनसे मैं ज़्यादा प्रेरित हूँ, और इसलिए मैं सब लोगों से बिल्कुल हट के और अलग काम करना चाहती हूँ। जैसे कि कोई भी योजना अगर सरकार का आती है तो मैं उस सभी योजना को ग्राम सभा के माध्यम से, मैं चाहती हूँ कि पहले अपने पंचायत वासियों के बीच रखूं और उनके सर्वसम्मति से मैं कार्य करूं। मतलब क्या है कि आप आम सभा का जो जी नियमित तरीके से आम सभा जी मैं नियमित रूप से चलाना चाहती हूँ पंचायत को।